चलिए दोस्तों, अभी इस कैमरे के रिव्यू का कंटिन्यूएशन करते हैं। सबसे पहली बात शॉपकीपर ने कही थी कि आप इस स्ट्रिप जो इसके साथ मुझे फ्री दिया हुआ है उसे यहाँ पर आप गांठ बांधने के लिए पिन भी यहाँ पर आपको दिया गया है, इसे आप अपने हाथ में ऐसे लेकर ही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो गिर जाएगा। वेट के अनुसार कहा जाए तो ये 350 ग्राम्स तक वेट है इस कैमरे का। तो चलिए, आज मैं इसके कंटिन्यू करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। 5 साल के बाद भी इस पर यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है, सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। डिस्प्ले आप देख ही रहे हैं, अच्छा डिस्प्ले आपको दिया हुआ है, सभी जूम सब कुछ फाइन वर्क हो रहा है। मैं यहाँ सुपीरियर ऑटो मोड में ही इसे इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर फ्लैश सब कुछ ठीक चल रहा है, यानी कि 1 मीटर का फॉल ये सहन कर चुका है यह कैमरा एक बार मेरी याद में। 18 मेगापिक्सल का सुपर फाइन इमेजेस यहाँ कैप्चर करता है। तो आज मैं इसके वायरलेस कैपेबिलिटीज, आप इन फीचर्स को तो मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ लेकिन दिखाना तो पड़ता है। चलिए कुछ सैंपल इमेजेस मैं कैप्चर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें सारे इमेजेस तो जियो फाइबर की वजह से क्लाउड में बैकअप में जा चुके हैं। यहाँ पर मैक्रो शूट आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो प्ले मेमोरीज ऐप सोनी की तरफ से दी गई थी, अभी हम चलिए देख लेते हैं। उस प्ले मेमोरीज ऐप को मैंने शायद सालों पहले इस्तेमाल किया था। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसे सोनी ने इमेजिंग एज मोबाइल नाम से नया ऐप बनाया है। ओपन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कैमरा पहले से ही। चलिए अभी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस में नए नए एप्लीकेशंस देने का वादा तो किया था सोनी ने, लेकिन एक ही एप्लीकेशन दे पाए। यहाँ पर देखिए माय बेस्ट पोर्ट्रेट, तो प्ले मेमोरीज ऐप, यहाँ पर स्मार्ट एप्लीकेशन मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल स्पेस 78 MB, और ये 3 एप्लीकेशन हमें दिया गया है। जब मैंने कैमरा लिया था तो ये माय बेस्ट पोर्ट्रेट ऐप नहीं था, लेकिन ये ऐप अब ये ऐप उन्होंने दिया 1-2 महीने में, उसके बाद कोई अपडेट्स नहीं आ पाए। प्ले मेमोरीज एक तरह प्ले स्टोर आपने पहले वीडियो में ही देखा है। चलिए, इस ऐप की मदद से हम फोटो सिंक कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट रिमोट कंट्रोल ऐप, इसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। इससे आप अपने कैमरे को रिमोट कंट्रोल अपना फोन आप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई से कनेक्ट हो लीजिए। यहाँ पर कनेक्टिंग देखिए, स्मार्ट रिमोट ऑपरेशन। देखिए दोस्तों, आप शूटिंग स्विच, यहाँ शूटिंग मोड अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइड आप जूम कर सकते हैं कैमरे को। मैं कैमरे को टच नहीं कर रहा।
आप यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आप देख रहे हैं। चलिए आप रिमोटली इसे कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव। मेरे चेहरे को भी इस तरह आप रिमोटली इमेजेस आप क्लिक कर। चलिए आप इस तरह कहीं पर भी आप टाइमर लगा सकते हैं। आप जूम करके रिमोटली आप कैमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इमेज को आप कैप्चर कर सकते हैं और उसका प्रीव्यू 2 MP का प्रीव्यू 2 MP का आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसी तरह टाइमर आप सेट कर सकते हैं। इमेज रेफरेंस आप देख सकते हैं। मोड में मोड आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप रिमोटली अपने कैमरे को आप अपने फोन से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इस फीचर को तो मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार फैमिली फोटो लेने के लिए इस्तेमाल किया था, उसके बाद तो नहीं कर पाया। ये रही एक फीचर कैमरे का। चलिए आप वायरलेसली आप अपने फोन से इमेजेस वायरलेसली आप सेंड कर सकते हैं। देखिए सिंक टू स्मार्टफोन, अगर आप इसे ऑन कर दे तो आप ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम अपने फोटोज जो कैमरे इस कैमरे में क्लिक हुआ है वो अपने आप ही अपने आपके स्मार्टफोन में चले जाएंगे, जैसे जैसे आप इमेजेस क्लिक करते जाएंगे। या फिर ये एप्लीकेशंस लिस्ट में आपका बेस्ट पोर्ट्रेट एप्लीकेशंस एक। चलिए अगर आप सेंड टू स्मार्टफोन में जाएंगे तो आप इस डिवाइस में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑन स्मार्टफोन में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, हम सिर्फ मल्टीपल इमेजेस में आप सिर्फ इमेजेस कैप्चर कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सिर्फ इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, वीडियोस आप सेंड नहीं कर सकते। देखिए वीडियोस सिलेक्शन ही नहीं है वीडियोस का। चलिए मेन्यू एंटर एग्जीक्यूट। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप अभी वायरलेसली सेंड टू स्मार्टफोन, सेलेक्ट ऑन स्मार्टफोन पर अगर हम वाईफाई, चलिए वाईफाई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसलिए चलिए आप यहां से भी सिर्फ आप देख सकते हैं कॉपी, तो सिर्फ यहां पर आप शेयर, आप चाहे तो फुल इमेज आप शेयर कॉपी कर सकते हैं, यानी कि
सेटिंग्स पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी इमेज साइल में आप ओरिजिनल या फिर शेयरिंग पर्पस के लिए सोशल मीडिया पर आप लाइव शेयरिंग करना चाहते हैं तो 2 मेगापिक्सल और उससे भी कम आप करना चाहते हैं तो VGA पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इतने ही इमेजेस यहाँ पर है। यहाँ पर ट्रांसफर्ड इमेजेस में हम आप देख सकते हैं इमेजेस ओरिजिनल इमेज है ये। आप डिटेल्स में आप देख सकते हैं 4.6 MB। तो अगर आप सोशल मीडिया के लिए शेयरिंग से के लिए आप इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं 20x जूम का इमेज एक पक्षी हमारे घर के केबल के ऊपर बैठा हुआ पक्षी का इतना डिटेल्ड इमेजेस आप कैप्चर कर सकते हैं। देखिए आप वीडियोस कॉपी नहीं कर सकते। वीडियोस आप शेयर भी नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, सिर्फ इमेजेस हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए गिरने का, हाँ यहाँ पर भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते लेकिन करेंगे। तो अभी अभी मैंने अपने अनुभव के बारे में यानी कि 5 साल हो चुका है, कैमरा इतना अच्छा है वो दूसरी बात है, लेकिन मेरे अनुभव के बारे में बात करूँ तो आपने अभी देखा ही है इसमें कितने इमेजेस हैं। हम कितनी बार हम बाहर टूर जाते होंगे, जाएंगे तब भी इसे सेपरेटली हमें ले जाना आवश्यक है आज की दुनिया में नहीं लगता। सबसे पहला एक नॉर्मल फोटो शेयरिंग या फिर आप हाई एंड फोटो प्रिंटिंग क्वालिटी के इमेजेस आप इस कैमरे से ले सकते हैं, लेकिन हर वक्त हम इसे अपने पास नहीं ले जा सकते, पहला पॉइंट। और 5 साल में शायद मैंने बहुत ही कम वीडियोस बनाने के लिए, यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, शूट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत कम। पिछले 6 महीने में मैं अभी वीडियोस जो आप मेरे ओप्पो रिनो 4 प्रो 5G के वीडियोस जो भी देख रहे हैं वो सभी इसी में से कैप्चर्ड हैं, लेकिन बहुत कम। हम जितनी रेगुलरली स्मार्टफोन दिन के 8 घंटे तक या 24 घंटे तक ये कैमरा इस्तेमाल नहीं होता। उस दुकानदार ने बोला था कि अगर आप ना काम नहीं है तो प्लीज इस बैटरी को निकाल कर सेपरेटली इसे स्टोर कीजिए। उसने बहुत ही ध्यान से कहा था, अगर आप भूल जाएंगे तो बैटरी ड्रेन या फिर किसी दूसरी तरफ के प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ आप ध्यान रखिए कहा था। अगर आप फोटोग्राफी के दीवाने हैं पॉइंट एंड शूट कैमरा में या हाई एंड कैमरा में कह सकता हूँ, 30x तक का आपको ऑप्टिकल जूम और यहाँ पर डेट एज बैक का आप देख सकते हैं। सोनी लोगो भी कुछ धुंधली धुंधली हो गई है, वर्किंग तो सारे पार्ट्स आज भी क्लियर कट वर्किंग कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों सोनी WX500 30x जूम का मेरा रिव्यू, 5 साल का रिव्यू। हम इसे मोबाइल फोन या स्मार्टफोन से कंपैरिजन नहीं कर सकते बहुत सारे कारण से। चलिए फोटोग्राफी ओप्पो रिनो 5 साल में क्या इस कैमरे के नजर से क्या ओप्पो रिनो 4 बेटर है या उसके आसपास भी है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।